हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। कहा गया है द सिलेंडर कॉन्टेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड इट्स डेंसिटी। आर जो है, जो कि यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है, उसकी वैल्यू दी गई है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन ये होता है PV इज इक्वल टू nRT, है ना। तो PV, n जो होता है इसको लिख सकते हैं कि मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस, है ना। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू टी, ये होता है। तो इसको लिखा जा सकता है कि पी एम इज इक्वल टू एम बाई वी इंटू आर इंटू टी। अब देखेंगे कि ये स्मॉल एम जो है वो मास है और वी जो है वो वॉल्यूम है। तो मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, ये एक्चुअली में डेंसिटी होता है, जिसको मतलब वॉल्यूम डेंसिटी कहते हैं, है ना। तो अगर हमें यहाँ पर वॉल्यूम डेंसिटी निकालना हो रो, इसमें से ये जो इक्वेशन है इसमें से रो का वैल्यू निकालना हो, तो हम लोग लिखेंगे इसको पी एम डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। पी जो है प्रेशर है, इसको मैं लिखता हूँ 249 किलो पास्कल को 10^3 लिख सकते हैं। एम जो है ये मॉलिकुलर वेट है गैस का, जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, तो उसका मोलिकुलर वेट लिखेंगे 2 × 10^-3 किलोग्राम में कर देंगे, है ना, डिवाइडेड बाई आर। आर का वैल्यू देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है 8.3, और टेम्परेचर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में 227 डिग्री सेल्सियस दिया है ना। टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 27 रखेंगे, यानी कि 300 केल्विन लिखेंगे। ठीक है, तो मैं R के जगह पर 8.3 रखूंगा और टेम्परेचर के जगह पर 300 केल्विन रखूंगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं इनको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, जो R है, R की वैल्यू 8.3 और टेम्परेचर के जगह पर 300, इसको आप कैलकुलेट करके देखें, ये आएगा 0.2 kg/m³, है ना। तो जो वॉल्यूम डेंसिटी है उसका वैल्यू आ गया यहाँ पर 0.2 kg/m³, जो कि ऑप्शन 3 में देखेंगे बिल्कुल सही तरीके से दिया गया है ना। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर।